नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपके प्राइम टीवी के सबसे खास प्रोग्राम नगर संग्राम में। जी हां, आप जानते ही हैं कि नगर निकाय चुनाव जो है शुरू हो चुका है और लखनऊ के सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में चुनाव की तैयारी कर लिए हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रफ़ी अहमद वार्ड के जो पार्षद हैं रामकृष्ण यादव जी। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो अपनी चुनाव की किस प्रकार से तैयारी करें हैं और क्या क्या तैयारी किए हैं। रामकृष्ण यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम में। तो प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार और दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। सर, आप अपनी चुनाव को, नगर निकाय जो चुनाव शुरू हुआ है तो इसको लेकर अब क्या क्या तैयारी किए हैं, किस प्रकार से चुनाव को आप देखते हैं? देखिए मैम, चुनाव और संग्राम बराबर होता है और जिस तरीके से निकाय के चुनाव, वार्डों के चुनाव बहुत कठिन होते हैं, छोटे स्तर पे होते हैं, हर गली में कोई ना कोई प्रत्याशी होता है, अपने बीच के लोग चुनाव लड़ते हैं, अपने मोहल्ले के लोग चुनाव लड़ते हैं और फिर उसमें हम लोगों ने जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते, पिछले 2006 से मैं लगातार पार्षद हूँ। मेरा तीसरा कार्यकाल है, मम्मी एक बार मेरी महिला सीट होने के नाते रहीं, मेरा दूसरा है, मम्मी को लेकर तीसरा कार्यकाल है। और हम लोगों ने नालियों को, सड़कों को, पार्कों को, सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, सफाई व्यवस्था सब में बहुत अच्छा काम किया है और काम का नतीजा है कि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी सरकार में चुनाव हुआ हो, चाहे समाजवादी पार्टी चुनाव में सरकार हुआ हो, हम लोगों ने बड़े भारी अंतर से जनता का आशीर्वाद मिला और अपने वार्डों में हम लोगों ने जीत दर्ज की। तो सर, कितनी बार आप ये नगर निकाय चुनाव पार्षदी का लड़े हैं, कितनी बार आप जीत हासिल किए हैं, सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैं लखनऊ में पहला चुनाव जब लड़ा था तो बहुत छोटा था, बिल्कुल यंग था, 21 ईयर का, और लखनऊ में 2006 में पार्षद हो गया था। जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास ने हमको टिकट दिया कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का, श्रद्धेय तो उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ सांसद थे, श्रद्धेय टंडन जी हमारे लखनऊ के बड़े नेता थे, माननीय राजनाथ सिंह जी, दिनेश शर्मा जी, इन लोगों ने हमको, कलराज मिश्रा जी का आशीर्वाद था, हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते। 2012 में ये सीट महिला हो गई तो मेरी मदर को सब लोगों ने कहा और मम्मी को पार्टी ने टिकट दिया और मदर को भारी बहुमत से चुनाव जीती। मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि मेरे खिलाफ 12 कैंडिडेट थे, 11 की जमानत जब्त थी, मम्मी के खिलाफ 18 कैंडिडेट थे, 17 की जमानत जब्त थी, 2017 के चुनाव में मेरे खिलाफ 8 कैंडिडेट थे, 7 की जमानत जब्त थी। ये एक स्नेह है कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति, भारतीय जनता पार्टी को, मेरे क्षेत्र की जनता का, मेरे क्षेत्र में जो भी आम जन है उनका एक भरोसा है और जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, वो चुन लेती है कि हमें किससे अपने जन समस्याओं को हल कराना है। सर, इस बार 12 वार्ड और भी लखनऊ में बढ़ाया गया है, तो सर पहले 110 था, अब 120 हो गया है, तो इस सब को लेकर सर कंपटीशन और बढ़ जाता है, तो सर अब क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए मैं आपको थोड़ी जानकारी बता दूं, लखनऊ में पहले भी 110 वार्ड थे, अभी भी 110 वार्ड ही हैं, पुराने वार्डों को ख़त्म किया गया है, जो आबादी के अनुपात में 2011 की आबादी के अनुपात में छोटे वार्डों को, बड़े वार्डों को एक दूसरे में मर्ज करके, और जितने ख़त्म किए गए 6-7 वार्ड उतने ही विस्तारित क्षेत्र में नए बढ़ा दिए गए। कुल मिला के लखनऊ में 110 वार्ड 1995 से चले आ रहे हैं, अभी भी 110 पे ही चुनाव होना है, जो आज तक की स्थिति है। तो सर आप अभी तक अपने जैसे कि वार्ड में क्या क्या चेंजेस किए हैं, अपनी जनता के लिए क्या क्या सर काम किए हैं और सर आगे और क्या करना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, उसके बारे में कुछ? देखिए विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया, जब पहली बार पार्षद बने समाजवादी पार्टी सरकार थी, उसके तुरंत बाद चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी सरकार बन गई, फिर समाजवादी पार्टी सरकार आ गई है, 10-12 साल हम लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया, लेकिन आम जनता का भरोसा हम लोग जीतने में कामयाब रहे, चाहे हमारा गांव गुआरी हो, गणप्रवाह हो, डीडगा हो, ग्रामीण क्षेत्र है, EWS कॉलोनी है जहाँ अपने इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन के लोग रहते हैं, हमारे पास विपुल खंड, विशाल खंड, विकास खंड जैसी पॉश कॉलोनियाँ भी हैं, CSI टावर, सज्जन विहार, अवध अपार्टमेंट, सहारा शहर और दुनिया के बेहतरीन पार्क, चाहे जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, चाहे अम्बेडकर पार्क का अब जो नाम बदल करके सामाजिक परिवर्तन स्थल हो गया है, ये सब मेरे वार्ड का हिस्सा हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, काम का परिणाम है कि हमारे वार्ड में चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो,
पार्षद का चुनाव हो, हम सब लोग चुनाव एक समभाव से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और हम लोग चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। चुनाव को चुनाव के तरीके से, पूरे संग्राम के दृष्टि से, युद्ध के दृष्टि से, कोई पहलू न छूटने पाए, कोई वर्ग न छूटने पाए, सभी जातियों, सभी धर्मों को लेकर के, सभी पहलुओं को लेकर के और सबकी जन समस्याओं को दूर करते हुए। आज हमारी सरकार है, पिछले 2017 से, उसके पहले हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, केंद्र में 2014 में हमको सरकार मिली और माननीय राजनाथ सिंह जी सांसद जब से लखनऊ के बने, लखनऊ के विकास की गाथा गढ़ दी गई, चाहे फ्लाईओवर हो, आउटर रिंग रोड हो, स्टेडियम हो, चाहे आपके जिस तरीके का रेलवे स्टेशन हो, कायाकल्प, गोमती नगर का इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो वास्तव में काम किया गया है और जनता की जो समस्याएँ हैं उनको दूर करते हुए, उनके भरोसे को, उनके विश्वास की कसौटी पर हम लोग खड़े उतरे हैं। हमारे क्षेत्र में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, हमारी सरकार बनी तो हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। ग्वारी गांव में बहुत कम जमीन थी लेकिन उसी पे निर्माण करा करके बनवाया। कोई जमीन नहीं थी क्योंकि एलडीए का क्षेत्र है यहाँ पे, कि जहाँ पे हम कोई ग्राम समाज जमीन मिली हो हम लोग बरात घर बनवा सकें, सामुदायिक केंद्र बनवा सकें, प्ले ग्राउंड बनवा सकें। लेकिन एक शौचालय था, बहुत पुराना शौचालय हुआ करता था मेरे गाँव में, उसको तोड़वा करके हमने एक अटल सामुदायिक केंद्र बनवाया, अटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। और एक जमीन थी, कुछ उसमें 19-20 का मामला था टाइटल को लेकर के, लोगों ने सहमति जताई, उसको मैंने अटल जी के नाम पे पार्क बनवा दिया। और ये सब काम बहुतायत में, गांव में टेबल लगवाया, हमारे पास डिडिगा गांव की सारी गलियां, नालियां, सड़कें सब एक तरफ से इंटरलॉकिंग कराई, जहां सीसी होने वाली थी वहां सीसी मैंने करवाई। फिर मेरा विशालखंड एक की एक एक गली हम लोगों ने बनवा दी है, विशालखंड एक की एक एक पार्क बनवा दिया। यही हाल विशालखंड 2, 3, 4, 5 लगभग हम लोगों ने पूरा काम कर रखा है। विपुल खंड हो हमारा, कोई पार्क नहीं बची, कोई गली नहीं बची, कोई सड़क नहीं बची। हाँ, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सड़कें बनेंगी, सड़कें टूटेंगी, सड़कें फिर बनेंगी, सड़कें फिर उखड़ेंगी, नाली बनेगी, नाली टूटेगी। लेकिन आम जनता ने अगर फ़ोन किया, आम जनता ने अप्रोच की, यहीं आप देखिए, आपके सामने बैठा हूँ, प्रतिदिन हम लोग यहीं बैठते हैं, सुबह शाम आम जनता आती है, अपना जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, जन्म, सारे सर्टिफिकेट जो मेरे स्तर से बन सकते हैं, हम लोग 24 घंटे दरवाजा खुले हैं, फ़ोन आया, भैया ये काम ठीक है, पार्षद जी को बता दिए, पार्षद जी अब करा देंगे, ये भरोसा है। हमारे यहाँ 2008 में बाढ़ आई, हम लोग दिन रात काम किए, विपुल खंड में पानी आ गया था, भरोसा के लिए 2008 में विपुल खंड में पानी था तमाम। और अभी भी इस बरसात में बाढ़ के समय क्या क्या अपनी जनता के लिए किए, किस प्रकार से सर सहायता की, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बाढ़ में हम लोगों के घरों में पानी पहुंचा, पंप लगवा के पानी निकलवाए, पूरे क्षेत्र में पानी निकलवाने के लिए बांध, तुरंत जरूरत थी बांध बनवाया गया, पानी पूरा निकलवा दिया गया। 2008 की बात है, हर घरों में साफ सफाई, चूना, ब्लीचिंग, कहीं कोई वर्षा जनित बरसात के बाद जो बाढ़ जब उतरती तो बीमारियां फैलती ना फैलने पाए, हमारे विपुल खंड में कोई बीमारी उस समय हम लोगों ने नहीं फैलने दी, बड़ा काम किया गया था। आम जनता के दुख सुख में हम लोग साथी थे, उनको उनकी राहत सामग्री, खाद्य सामग्री कैसे क्या करना, सब हम लोग साथ में थे, पूरी टीम मिला बना करके हम लोगों ने काम किया। और फिर अभी आपने देखा कोविड इतना बड़ा आया, कोविड में सैनिटाइजेशन करवाना, कोविड में लोगों के घर सील कर दिया जाते थे जिला प्रशासन के द्वारा, बांस बल्ली लगा दी जाती थी, उस गली में कैसे हम लोग खाद्य सामग्री पहुंच जाए, लोगों को सब्जियां पहुंच जाए, दूध का पैकेट पहुंच जाए, दवाई पहुंच जाए, बच्चों की बिस्किट्स पहुंच जाए, ब्रेड पहुंच जाए, ये सब हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर काम किया है। और सरकारी व्यवस्थाएँ, क्योंकि सीमित संसाधन होते हैं सरकार के, किसी भी सरकार के, और एक सीमित दायरे में सरकार काम करती, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने, समूचे भारतवर्ष में कोविड को लेकर के हम लोगों ने, पूरे देश में हमारी सरकारों ने काम किया, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हमारे कार्यकर्ताओं ने गली गली, मोदी जी के आह्वान पे गली गली, झोपड़ पट्टी में हो, कूचे में हो, किसी मोहल्ले में हो, किसी को भूखे सोने नहीं दिया गया। भूख से मौत हो जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत विडंबना, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य होता, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि कोई भूखा पेट नहीं सोएगा, तो वास्तव में मेरे वार्ड में कोई भूखा पेट नहीं सोया। भंडारे चलवाए गए, पूड़ियाँ बनवाई गई, सुबह के पैकेट अलग, शाम के पैकेट अलग, दोपहर के पैकेट अलग, और उस समय गर्मी, प्रचंड गर्मी थी, और जिस तरीके से काम किया गया वास्तव में बड़ा काम हम लोगों ने किया था। और ये हम लोगों ने नहीं किया, ये वास्तव में ईश्वरीय कृपा थी जिससे काम हो सका। सर, आपके विपक्ष में भी जो होंगे तो क्या लगता है कि इस बार भी आप तैयारी कर रहे हैं सर, पूरा अपने सर निकाय चुनाव के लेके, तो आपको लगता है कि सर इस बार फिर से आप पार्षद, आपके जो जनता है वो फिर आपको इस बार चुनाव लेके सर आएंगे, इस बार आप चुन के लाएंगे कि हाँ आप भी पार्षद रहेंगे, तो क्या नया काम करना चाहेंगे आप अपनी जनता के लिए? और देखिए, मेरा शुरू से रहा है कि हम लोग 2010 में सिंगापुर गए थे, सभी पार्षद लखनऊ के गए थे,
और आज भी मेरा सपना है कि मैं अपने वार्ड को सिंगापुर जैसा बना दूं। सिंगापुर का ड्रेनेज सिस्टम हो, सिंगापुर का पेयजल आपूर्ति हो, सिंगापुर का सीवर सिस्टम हो, सिंगापुर की साफ़ सफाई हो, मेरे सपने में, मेरे कल्पना में वही है। लेकिन चूँकि सिंगापुर की भौतिक स्थिति, जनसंख्या की स्थिति, जैसे सिंगापुर 760 स्क्वायर किलोमीटर में बसा क्षेत्र है, जनसंख्या 2010 में 43 लाख थी, आज हमारे लखनऊ की जनसंख्या 50-60 लाख है, 50-55 लाख, 10-12 लाख तो फ्लोटिंग जनसंख्या है, जो इंटरसिटी से, रोडवेज से, एमएससी पास से, मासिक पास के द्वारा या अपने गवाहन से, उन्नाव से लोग आ रहे हैं, कानपुर से लोग आ रहे हैं, फैजाबाद अयोध्या से लोग आ रहे हैं, बाराबंकी से, सीतापुर से आए, पूरा दिन लखनऊ में काम किए, शाम को चले गए, 10-12 लाख फ्लोटिंग आबादी है। तो मैं पूर्ण मानता हूँ कि लखनऊ की 50-60 लाख की, 55 लाख की आबादी है वर्तमान में, क्योंकि 9 विधानसभा सीट हैं, हर विधानसभा में लगभग 4 लाख वोटर हैं, 9-36 लाख तो मतदाता हो गया, और 10 लाख फ्लोटिंग, 46 लाख। अब आबादी के रेशियो में तो लगभग 60 लाख की आबादी का हमारा लखनऊ शहर है। 2011 की जनगणना अभी 22 का सेंसेक्स नहीं आया है, 22 में हमको लगता है 40 लाख हम लोग क्रॉस कर जाएंगे शहर के क्षेत्र में, इसीलिए सीमा विस्तार हुआ। तो अब अपने नगर को कैसे हम अच्छा और बनाएं, चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां होती हैं, जैसे अभी बाढ़, 2 दिन पानी बरसा, 24 घंटे पानी बरसने से तमाम पार्के बाउंड्री टूट गई, तमाम नाले टूट गए, तो अब चुनौतियां हम लोग सामने, पानी घरों में भर गया, कहीं निकासी की व्यवस्था नहीं, क्योंकि एक सिस्टम है पानी का, एक ड्रेन सिस्टम है, कितनी देर में इतना निकल जाएगा, लेकिन इकट्ठे पानी मिल गया, जैसे हमें आपको 2 रोटी की खुराक है, 6 रोटी आ जाएंगी तो 2 बेकार हो जाएंगी, सेम वैसे स्थिति होती है। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी चुनौतियां होंगी उनका डटकर सामना करेंगे। और आपने विपक्षियों की बात की, मेरे वार्ड में विपक्ष नाम का कोई शून्य है, लोग चुनाव में आते हैं, 45 दिन का चुनाव, 15 दिन का चुनाव, 20 दिन का चुनाव, लोकसभा विधानसभा मिला करके 5 साल में होता है, 15 दिन पार्षद के चुनाव में, 15 दिन विधायक के चुनाव में, 15 दिन लोकसभा चुनाव में, वो 45 दिन विपक्ष दिखता है और उसके अलावा कहीं विपक्ष दिखता होता नहीं। सर आप अभी बोले कि सिंगापुर की तरह मैं अपने वार्ड को बनाना चाहती हूँ, वहाँ के जो लोग हैं उनको उसे करना चाहता हूँ, तो सर क्या तैयारी किए हैं, क्या सोचे, क्या मैप तैयार किए हैं आप उसको लेके, कुछ उसके बारे में बताइए। उस पर बहुत काम मैं कर चुका हूँ, हमारी बिपुल खंड की पार्कें आप देख लीजिए, बहुत अच्छी पार्कें हो गई हैं, साफ सफाई व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, होता क्या पूरे क्षेत्र को लेना कठिन होता है, कुछ आदर्श बनाया जा सकता है, हमारा विपुल खंड, विशाल खंड, विकास खंड, ये आदर्श के रूप में है। हमारे ग्वारी गांव में जहां पहले नालियां बजबजाया करती थीं, लोग जाते थे नाक बंद करके जाते थे, आज आप हमारे गाँव के अंदर जाएंगे, चाहे तीनों गाँव में, डीडगा में, ग्वारी में, गणपुरा में, तो आपको नाक बंद करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है जनता के आशीर्वाद से कि हम अपने वार्ड को सिंगापुर बनाने को अग्रसर हो रहे हैं। तमाम सारी डेयरियाँ होती थी हमारे गाँव वार्ड में, उन डेयरियों में भी लोगों को समझा बुझा करके, ज़बरदस्ती मैंने नहीं किया कि भाई डेयरी हटा दो, घर को बनाओ, किराए पे दे दो और डेयरी कहीं और ले लो, उतने पैसा लगना है, तो अशिक्षा हुआ करती थी बहुतायत में। हमारे जो भौगोलिक स्थिति वार्ड की है, जनसंख्या की दृष्टि से यादव बाहुल्य क्षेत्र रहा, तो भाई गाँव है तो उनका मुख्य व्यवसाय ही डेयरी पालन का है, और तो क्या करते, तो लेकिन समझा बुझा करके आज बहुत अच्छा मेरा वार्ड है, 2006 की तुलना में 12 में अच्छा हुआ, 12 की तुलना में हम 17 में अच्छा कर पाए, 17 से हमारी सरकार भी तो हमको और सुविधाएं और काम सरकारी योजनाओं को लाने में, उनका क्रियान्वयन कराने में हमको सहायता मिली हमारी सरकार से। हमारे यहाँ 5 साल माननीय मंत्री रहे श्री बृजेश पाठक जी, न्याय मंत्री थे, आज उप मुख्यमंत्री हैं, उनका क्षेत्र रहा। अभी रजनीश गुप्ता जी, हम चुनाव लड़े, कुछ छोटों से हम लोग चुनाव हार गए। दिनेश शर्मा सर हमारे लखनऊ के 2-2 बार महापौर रहे, डिप्टी सीएम रहे। श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी हम लोगों के गार्जियन हैं, लखनऊ संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में लखनऊ बढ़ता चल रहा है आगे, और अटल जी की विरासत को टंडन जी के द्वारा आगे बढ़ाते हुए आज जो इतना छोटा हुआ है उसको हमारे राजनाथ सिंह जी आदरणीय हैं, हमारे संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं लखनऊ में। सर अभी जो मतलब महिलाओं के लिए सर क्राइम बहुत बढ़ गया है, सर सुनने में भी आ रहा, देख भी रहे हैं हम लोग, तो आप महिलाओं के लिए सर कुछ अलग से कुछ मैप तैयार किया, कुछ सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए किस प्रकार से सुविधा एक अलग से दी जाए, सर उसके बारे में आप कुछ सोचें, अपने वार्ड की जो भी महिलाएं, जो औरत हैं, जो लड़कियां हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं सर अभी आप? देखिए हमारी सरकार ने सोचना शुरू कर दिया, उस पर काम भी किया, पिंक टॉयलेट बनवाए कि मैन वोमेन का, जो महिला और पुरुष का एक में जाने का कोई उसमें छिपा बैठा है सार्वजनिक शौचालय में, तो अब पिंक का अलग हो गया, डिफाइन हो गया कि हमारी बहनों के लिए है, माताओं के लिए है। पिंक पुलिस बूथ बनवाए जिसमें पुरुष का सिपाही कोई नहीं रहेगा, पुलिस सुरक्षा कर्मी नहीं रहेंगे, सिर्फ महिला सुरक्षा कर्मी रहेंगे। आप चौराहे चौराहे आप देखते हैं तमाम CCTV कैमरेज लग गए मोहल्लों में, अंदर हम लोगों ने पार्कों के आसपास जहां पे संभावनाएं बनती हैं वहां पे हम लोग निवेदन करते हैं कि भाई CCTV कैमरे लग जाएं, और पुलिस के पेट्रोलिंग हम लोगों ने बढ़वाई,
लेकिन ये जो महिलाओं के प्रति अपराध है, ये अपराध नहीं, ये कुंठित मानसिकता, इसको मेरा व्यक्तिगत मानना कुंठित मानसिकता है कुछ ऐसे लोगों की, या कुछ ऐसे लोग जो कुंठित हैं वो माताओं बहनों के साथ जो अनैतिक दुर्व्यवहार करते हैं, ये कुंठित लोग हो सकते हैं। ये इसको अपराध की तभी बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो जिस तरीके से माफियाओं को, संगठित अपराध को ख़त्म किया योगी जी ने, आज महिलाओं की छेड़खानी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे आप देखिए निरंतर ग्राफ गिर रहा है। एक दो छुटपुट घटनाओं से लखनऊ को महिलाओं में अपराध बढ़ रहा है, इस कसौटी पर नहीं खराब मतलब कसना चाहिए। वास्तव में पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में अपराध घटा है, महिलाओं के प्रति भी अपराध घटा है। अब छुटपुट घटनाओं से गोमती नगर हो, इंदिरा नगर हो, हमारा लखनऊ, उसको ये नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा, कहीं से नहीं बढ़ रहा, सब घट रहा है। अब देखिए अभी घटना छोटी है, पेपर में आता है, हम लोग देखे जान, आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, लेकिन अफसोस हुआ तीसरे दिन पता चला कि पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ लिया। तो कहीं से हमारी पुलिस बहुत मुस्तैद है, योगी जी ने पूरी खुली छूट दे रखी है, महिला अपराध के प्रति बहुत संजीदा है वो। तो सर आप अपने चुनाव के लेके पूरी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सर 4 नवंबर से सर ये शुरू भी हो चुका है, तो इस तैयारियों के लेकर सर आप अभी से जुटे हैं, किस प्रकार से जुटे सर, कुछ उसके बारे में बस बता दीजिए। देखिए तैयारियों के बारे में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जिन लोगों का जो पिछले चुनाव में 12 साल के थे, 13 साल के थे, आज 18 साल के यंगेस्ट हो गए, उनके नाम कैसे जुड़ जाएं। कुछ लोग हमारे वार्ड में नए आ गए हैं रहने के लिए, भाई शहर है लखनऊ में, लोग रहने आ गए, मकान दुकान खरीद करके, उनके नाम जुड़ जाएं। कुछ नाम पिछली बार छूट गए थे, वो जुड़ जाएं। हम लोग का पूरी कोशिश है कि मतदाता सूची में सभी का नाम जुड़ जाए, और उसको लेकर के हम लोगों ने पार्टी के BLA बनवा दिए, BLO के साथ BLA काम करना शुरू कर दिए। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे लग करके हम लोग वोट बढ़वा रहे हैं कि किसी का वोट छूटने ना पाए। उसी के साथ साथ साफ सफाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, अभी पूरा 15 दिन का एक सजग अभियान सफाई को लेकर के, गड्ढे मुक्त को लेकर के, और सड़कों के पैच मरम्मत को लेकर के, मार प्रकाश जो बिंदु बंद थे उनको लेकर के दीपावली पूरा चलाया, पार्कों की घास कटिंग, बड़े पेड़ों की छटाई जो बिजली पे आ गए थे, इन सब पे बड़ा काम हम लोगों ने 15 दिन में किया है। और काफ़ी वार्ड हमारा इस समय अच्छा है, लोगों से जनसंपर्क निरंतर बन रहा है, निरंतर रहता भी है, लोग प्रसन्न हैं, कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, लोगों का आम जनता का पूरा आशीर्वाद है, और सब कह रहे हैं कि भैया ठीक है, सब अच्छा रहेगा। शुक्रिया सर आपका, बहुत ठीक है मैम। मैं प्राइम न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को, उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को, इस नगर संग्राम जो आपने एक अच्छा प्रोग्राम लिया, एक अच्छा अभियान लिया, इसमें हम लोग बातों को कहने का अवसर मिला, आम जनता को बताने का अवसर मिला कि एक पार्षद के रूप में आपने क्या क्या कार्य किए। तो आप सोचिए कि हम लोग एक वार्ड के छोटे से पार्षद हैं, लेकिन काम के मामले में किसी भी चीज़ को लेकर अरे पार्षद जी के पास चलना है, आम जनता में एक भाव होता है चलो पार्षद जी के पास, चलो समस्या हल हो जाएगी। अब होता है चूँकि विकास है, विकास के साथ साथ से और सारी अपेक्षाएं लोगों की होती हैं, तो कुछ पूरी होती हैं, कुछ अधूरी होती हैं, जो अधूरी होती हैं उनको पूरा करना है, जो नहीं होंगी उन पर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे रामकृष्ण यादव जी, जो कि रफ़ी अहमद वार्ड के पार्षद हैं, और इस बार फिर से वो चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, और देख और उन्होंने कहा भी कि वो हर समय अपनी जनता के लिए सक्रिय रहते हैं, वो जो भी अपनी मदद के लिए आते हैं उस पर वो उसी समय उस पर काम करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो इस बार भी वो अपनी तैयारियों में जुटे हैं, और देखते हैं कि उनकी जो चुनाव की तैयारी है वो किस प्रकार से करते हैं। तो फिलहाल नगर संग्राम में इतना ही, फिर हम आपसे एक नए पार्षद से आपको मिलवाएंगे और उनसे बात करेंगे कि वो अपने वार्ड के जो चुनाव है वो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से इस चुनाव के लेके तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।